में 4% नव मतदाता जुड़े जिन्होंने पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल किया। बात करें जयपुर की तो नव मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश की सरकार बनने में हमारा भी वोट काउंट होगा। यूथ का कहना है वोट देते वक्त उन्होंने जहन में ये रखा कि युवाओं को रोजगार देगा और भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इसके साथ ही जो पार्टी और प्रत्याशी पहले किए वादों को पूरा करते रहे उन्हें ही युवाओं ने वोट किया है। पहली बार के वोटर्स को हाथों हाथ पोलिंग बूथ पर सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। पहली बार वोटर्स से बात की हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बार जो खास नजर है वो नव मतदाताओं पर है कि आखिर उनका क्या रुख है और क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट डाले। आपसे अगर हम जानना चाहें, आपने पहली बार वोट डाला है? हाँ जी, पहली बार वोट डाला है मेरा। ये फर्स्ट वोट है आज विधानसभा इलेक्शंस का। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार वोटिंग करने का चांस ऐसा मिला है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये आपके हाथ में क्या सर्टिफिकेट है कोई? हाँ, ये सर्टिफिकेट मिला है। जो फर्स्ट वोटर्स है उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा गया है ताकि हमारे पास एक निशानी रहे हमारे फर्स्ट वोट करने के लिए। ये हाथों हाथ आपको दे दिया गया है? हाँ जी, हाथों हाथ दे दिया गया। क्या ऐसा मुद्दा रहा जिसको ध्यान में रखकर आपने वोट दिया? मुद्दा तो यही रहा कि सबसे पहले कि जिसने काम करा है, पार्टी का भी है लेकिन वो फर्स्ट अपन का यही होना चाहिए जिसने काम करा है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है सबसे ज़्यादा, तो उसको ही देख के वोट करा है। जी, आपने भी पहली बार वोट डाला है? जी ज़रूर, पहली बार ही वोट डाला है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये सर्टिफिकेट हमारे को गवर्नमेंट से मिला है। क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? वही सेम, जो काम कर सकता है और जिसने करा है और जो डिजर्विंग है। तो पहली बार के वोटर्स से जन टीवी जान रहा है कि किन मुद्दों पे उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद में उनको कैसा लगा। और ये लोग अपील भी कर रहे हैं उन लोगों से जो 18 इयर्स के हो गए हैं और वोट नहीं डाल रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचे हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट पूरा बहुत अच्छा है यहाँ पे, वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। और पहली बार था तो बिल्कुल सही था। मतलब क्या मुद्दे ऐसे रहे जिनको सोच के आपने वोट डाला? डालना चाहिए, सबको अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस चीज़ में। वोट डालते समय क्या आपने ध्यान में रखा कि जो एजुकेशन को प्रमोट करता है उसको वोट देना है, या जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसको वोट देना है, या जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा उनको वोट देना है? क्या ऐसे मुद्दे जहन में रहते हैं रहे युवाओं के? ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सब पूरी चीज़ को फिगर आउट करके वोट डालना चाहिए बिल्कुल ध्यान से और सही वोट डालना चाहिए सब। करप्शन और एजुकेशन, आपने भी पहली बार वोट डाला, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको पहली बार? बहुत अच्छा लगा पहली बार वोट डाल के, और सबको डालना चाहिए जो इस 18 प्लस है सबको डालना चाहिए। क्या मुद्दे रहे जैसा हमने इनसे भी पूछा? वही सब, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी करप्शन वगैरह सब को ध्यान में रख के करना चाहिए। आपसे अगर हम जानना चाहेंगे? बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा वोट देके, और बाकी जो भी है 18 प्लस उन सबको वोट डालना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हमें अपना सब कुछ मतलब खुद चुनना है कि हम मतलब इतनी फ्रीडम है हमें कि हम सारी चीज़ों को चुन सकते हैं। भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी हुई, सब कुछ इनके मतलब जो हमें सही लग रहा है हमारी जनता मतलब लोकतंत्र का है तो हमें सबको वोट करना चाहिए। जी, तो ये यहाँ पर पहली बार के वोटर्स हैं और अगर हम बात करें तो इनको सर्टिफिकेट जो है वो भी दिए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो तैयार हो रहे हैं सर्टिफिकेट और जो यहाँ पर BLOs हैं वो इनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं। हाथों हाथ ही जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें, फर्स्ट टाइम आपने वोट डाला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? ऐसा लगा कि हम भी योगदान दे रहे हैं सरकार बनाने में? ज़रूर ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि हम जानते हैं हम 18 प्लस हो चुके हैं तो राइट टू वोट हमारा राइट है, उसको देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है हमें राइट करने का मतलब हमारा आगे फ्यूचर मतलब गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। जी, क्या मुद्दे ऐसे रहे जो आपके दिमाग में रहे वोट डालते समय कि जो जॉब क्रिएट करे या भ्रष्टाचार कम हो, क्या मुद्दे ऐसे रहे या एजुकेशन अच्छी दे? बस जो हमें प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं बस उसे पूरा करते रहे तो ठीक है। जी, तो ये मुद्दे हैं, BLO हैं। अगर हम आपसे अगर हम कुछ जानना चाहें तो हाथों हाथ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो 18 साल के जो मतदाता हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नई पहल की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और काफ़ी अच्छी है, सराही जा रही है, काफ़ी वोटर इसे पसंद कर रहे हैं, जैसे सेल्फी पॉइंट्स वगैरह, और इससे काफ़ी जागरूकता बढ़ी। जी, तो सेल्फी पॉइंट एक नवाचार है पहली बार के वोटर्स, और जिस तरीके से हमने अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं और जो अलग अलग बूथ हैं जहाँ पर ये वोटर्स नव मतदाता जो पहली बार के वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे, अगर हम बात करें तो 4% तादाद है इस बार
कुल वोटर्स की, जो नए वोटर्स जुड़े हैं और जो मुद्दे इनके जहन में रहे, सबसे पहली बात तो ये कि जो वादे किए गए हैं राजनीतिक दलों की ओर से उनको पूरा किया जाए, साथ साथ में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा जॉब जो है, रोजगार युवाओं को यहाँ पर मिले, और तीसरे नंबर पर रहा भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए राजस्थान। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी,